हाय, मैं नीलम भार्गव आज बेसन की सेव बनाने जा रही हूँ। इसके लिए हमें चाहिए बेसन, बेकिंग सोडा, नमक, देगी मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, हल्दी, हींग और कुकिंग ऑयल। एक बर्तन में बेसन, सारे मसाले, नमक, बेकिंग सोडा और कुकिंग ऑयल का मोयन डालकर ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। किचन प्रेस में हमें जो हमारा ये सांचा है इसको सेट करेंगे। पैन के गर्म ऑयल में डो की एक छोटी सी गोली डालेंगे। अगर गोली ऊपर आ जाती है इसका मतलब है ऑयल गर्म हो चुका है। डो के इस तरह से लंबा एक रोल बनाएंगे जो हमें किचन प्रेस में डालना है। उसी शेप का एक रोल बनाकर हमको किचन प्रेस में उस रोल को फिक्स करना है। ये देखिए, अब इसको किचन प्रेस को बंद करके जो हमारा ऑयल गर्म हो चुका है उसमें अब हम इसकी सेव बनाएंगे और उनको डीप फ्राई करना है। ये देखिए, इसको अच्छे से बंद करके रेडी कर लिया है और यहाँ हम इस तरह से प्रेस करते हुए इसको राउंड राउंड घुमाते हुए सेव बनाएंगे। ये आप तब तक प्रेस करते रहिए जब तक कि वो कढ़ाई में जितना ऑयल है उतना भर ना जाए। और इसको नॉर्मल फ्लेम्स पर करना है, सिम पर नहीं करना है। जब आपको लगे कि ऑयल में और जगह नहीं है तो वहाँ पर आप उसको हाथ से कट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अभी इसमें झाग आ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि अभी सिकी नहीं है। आप इसको चिमटे की या दूसरे एक पलटे की मदद से पलट भी सकते हैं और जब ये सिक जाएगी तो आप देख रहे हैं कि जैसे ये थोड़े थोड़े झाग बनना कम हो गए हैं। ये देखिए, हमने इसको पलट दिया है क्योंकि एक साइड से सिक चुकी थी। अब इसमें धीरे धीरे झाग बनना कम हो जाएंगे और जब झाग बनना बिल्कुल बंद हो जाए, ये आपने देखिए, तो इसका मतलब ये सिक चुकी है। इसको चिमटे की मदद से निकाल कर छलनी में हमने इसलिए रखा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए और ये खाते समय बहुत ऑयली ना लगे। देखिए हमारी सेव एकदम तैयार है। इसको हमने एक बर्तन में लेकर क्रश किया है, ये देखिए, और ये बहुत कुरकुरी है। शाम की चाय के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हल्के हाथ से हमने इसको क्रश करके छोटा एक तरह से नमकीन का लुक दिया है। तो ये बेसन की कुरकुरी नमकीन मिर्ची वाली सेव एकदम तैयार। बेसन की सेव तैयार हैं, आप इन्हें घर पर ट्राई कीजिए और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। हैप्पी दिवाली।